बताएंगे 7:25 पर पूरी दास्तान। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैन खत्म होते ही संभल और फिरोजाबाद में रैली की और विरोधियों पर जम के बरसे। बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, दो ही जगह होगी, या तो जेल या राम नाम सत्य है की यात्रा। देश के प्रधानमंत्री जी की चौकी भी छीननी है, तभी ये देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। चुनाव आयोग के लगाए हुए 72 घंटे के बैन के खत्म होते ही सीएम योगी फुल एक्शन में नजर आए। अपने पुराने तेवर में आते हुए सीएम ने एक बार फिर बाबर के नाम के सहारे गठबंधन पर निशाना साधा। एक बार संसद में मैं बैठा था, संजोग से संबल से प्रत्याशी यही समाजवादी पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी हैं। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भी तुम्हारे पूर्वज कहां से हैं? तो सज्जन बोल पड़े कि हम बाबर की औलाद हैं। मुझे देख के आश्चर्य हो रहा था। भाइयों बहनों, मैं यही मुझे अफसोस होता है, जो व्यक्ति वंदे मातरम गाने में जिसको परहेज होता हो, जो व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाने में संकोच करता हो, जिसको वंदे मातरम बोलने में संकोच होता हो, जिसको केला देवी मंदिर में जाने में संकोच होता हो, क्या वह व्यक्ति आपका वोट पाने का अधिकारी है? बैन के दौरान भी सीएम योगी प्रभु राम के अनन्य भक्त हनुमान की शरण में जाते रहे और बैन खत्म होने के बाद भी सीएम योगी लखनऊ के अलीगंज में हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां दर्शन करने के बाद सीएम योगी ने संभल और फिरोजाबाद में चुनावी जनसभाएं की। सीएम योगी ने विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि दोनों चरणों की 16 सीटें बीजेपी जीत रही है। जो गुंडे आकर के बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, एसिड अटैक करते थे, आज कर पाएंगे? आज नहीं कर पाएंगे। उन्हें मालूम है बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, दो ही जगह होगी, या तो जेल या राम नाम सत्य है की यात्रा। मैनपुरी में माया और मुलायम के एक साथ आने पर भी सीएम योगी ने हमला बोला। सीएम ने मायावती को पुराना बयान याद दिलाते हुए कहा कि मायावती ने 5 मई 2014 को अखिलेश को चरवाहा बताया था। योगी ने बगैर नाम लिए आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि रामपुर में एक जीव रहता है जो बहन बेटियों का सम्मान नहीं करता और मायावती उसके लिए वोट मांगती हैं। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उस समय एक बात कही थी कि जितने भी दलित महापुरुषों के स्मारक बने हुए हैं, इन स्मारकों के बारे में उन्होंने टिप्पणी की थी, तो उस समय मायावती जी ने भी एक बयान दिया था और उन्होंने बयान एक स्पष्ट बयान दिया था कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, भारत का संविधान नहीं होता, और अखिलेश यादव भी इससे पहले में किसी जमींदार का भैंस और गाय चरा रहा होता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने वाला व्यक्ति, आज मायावती जी उसके लिए वोट मांग रही है, उसके लिए वोट मांग रही है जो बहन बेटियों की इज्जत को किस तरीके से, किस बदतमीजी की भाषा का प्रयोग करके बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का कार्य करता है। तो वहीं अखिलेश यादव ने मैनपुरी के मंच से बीजेपी सरकार पर करारा वार किया और कहा कि गठबंधन बीजेपी से इनकी चौकी छीनने का काम करेगा। आप चौकीदार बनकर के आए हैं और अगर ये बात जानते हो तो बताओ, चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? इसलिए जहां देश को बदलना है, न्याय और सम्मान दिलाना है, वहीं देश के प्रधानमंत्री जी की चौकी भी छीननी है, तभी ये देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। बैन के खत्म होते ही सीएम के तेवर बता रहे हैं कि चुनावी संग्राम अभी और दिलचस्प होने वाला है और आगे के चुनावी महासमर में सियासत पूरे उफान पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक।